नमस्कार, आदाब। ड्यूटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज टॉक विद टॉपर्स, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपना नाम सेंचुरीज तक आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल के तौर पर छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप और टीचर्स का नाम रोशन करते हैं। तो आज टॉक विद टॉपर्स में ऐसे ही स्टूडेंट याहिया जावेद से बात करेंगे, जिन्होंने एएमयू के अंदर 93% मार्क्स हासिल किए। मैथ में 93 मार्क्स, साइंस में 100 मार्क्स, इंग्लिश में 97 मार्क्स, सोशल साइंस में 97 मार्क्स। तो यही है, सबसे पहले ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे पहला सवाल, आज आपको इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये परसेंटेज आई, मैं इसकी उम्मीद कर रहा था आने की, और ऐसा लगता है जैसे मेहनत जो करी है वो हमारी मेहनत रंग लाई है। यही, आपने कितनी परसेंटेज की उम्मीद लगाई थी अपने आप से? बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आपने अपने आप से कुछ उम्मीद लगाई होगी कि मेरी इतनी परसेंटेज आएगी, या उससे थोड़ा बहुत कम रह गई, या उससे ज़्यादा हो गई? जी, मैंने उम्मीद तो लगाई थी थोड़ी सी, इससे ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है मेरी आ जाए, मगर एक सब्जेक्ट में थोड़े मार्क्स कम हो गए, इस वजह से परसेंटेज थोड़ी फ्लक्चुएट हो गई। चलिए, कोई नहीं, अब आगे के लिए ऑल द बेस्ट आपको। यही, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी करी, तो उसके लिए आप स्कूल गए, कोचिंग ज्वाइन करी, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करी, तो आपने कुल मिलाकर अपनी स्टडी को कितना टाइम दिया? मैंने अपनी स्टडी को जो टाइम दिया वो, मैं असल में मैंने जो है वो उसको मेजर नहीं किया कि क्या टाइम, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता था, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ता था वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता था, जब तक मैं उसको छोड़ता नहीं था। यही अगला सवाल आपसे कि आपने इतने अच्छे मार्क्स और इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के लिए क्या क्या और किया? सिर्फ आप स्टडी ही किए या स्पोर्ट्स भी किया थोड़ा बहुत अपने मनोरंजन के लिए, और घर के काम में वालिद साहब की हेल्प करी, या और क्या क्या आपने स्टडी के लिए किया? मैंने स्टडी के लिए दुआ करी और मेहनत करी, और उसके साथ साथ घर पे एक्सरसाइज वगैरह करते थे, ताकि क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे किसी दूसरे कामों में नहीं लगने दिया। अच्छा। और अपनी स्टडी पे फोकस किया मैंने। यह आपने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करी? सबसे ज़्यादा मैंने सोशल साइंस में मेहनत करी है, क्योंकि उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह का कोई खेल नहीं है, उसमें याद करना होता है, मेमोराइजिंग होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगा उसमें। सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा मेहनत करी, और साइंस में आउट ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। साइंस में हुआ यूँ था कि पहले जो मतलब साइंस की प्रिपरेशन तो पूरे साल से चल रही थी, और सोशल साइंस जो पढ़ते थे वो हम एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं। अच्छा। उस वजह से उसमें ज़्यादा मेहनत करी, साइंस का तो पूरे साल रनिंग में रहा थोड़ा। यही अगला सवाल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर स्टूडेंट के दिल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डर रहता ही है, तो आपके दिल में भी कुछ डर रहा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम है, उस हिसाब से तैयारी करनी है, उस हिसाब से मार्क्स लेकर आने, तो उस डर को आपने अपनी लाइफ से किस तरह निकाला और इतनी अच्छी परसेंटेज को आप लेकर आए? मैं जैसा कि आपने कहा, सब हर स्टूडेंट के दिल में डर होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उसके लिए मतलब मैंने ये भी सोचा, एक तो कि परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखती, इतने मतलब इतना वैल्यू नहीं होती है परसेंटेज की, क्योंकि उसके हमारे शिवान सर थे कोचिंग में, वो क्या करते थे कि परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखती है। उन्होंने कहा था कि असल जो स्टूडेंट की जो पता चलता है उसके बारे में, वो कॉम्पिटिशन से पता चलता है, ये कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं रखती, आपकी कम परसेंटेज आ रही है कोई बात नहीं। तो मैंने मेहनत करी, और मैं मेहनत करके जो है आ जाया सामने सबके। यही, आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई, तो आप इस कामयाबी का क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? इस कामयाबी का क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने टीचर्स को, हमारे ख़ास तौर से हमारे कोचिंग के टीचर्स, जैसे मैथ्स के टीचर शिवान सर, बायोलॉजी के अजीम सर, फिजिक्स के मुबशिर सर, और इन्हीं टीचर्स को मैं अपना क्रेडिट देना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत करी है पढ़ाने में। यही, आपने ड्यूटी सोसाइटी ज्वाइन करी थी कोचिंग के लिए, तो ड्यूटी सोसाइटी का आपकी मार्क्स के अंदर, या कहूँ कि आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल रहा? ड्यूटी सोसाइटी जब मैंने ज्वाइन करी थी, तो पहले तो मैं बहुत परेशानी होती थी, मतलब मुझे
थोड़ा मुश्किल पेश आती थी, मगर जब मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता गया तो धीरे धीरे इवॉल्व कर लिया उस माहौल के हिसाब से, क्योंकि मैं कंपटीशन, मुझे पहले नहीं पता था कंपटीशन की दुनिया के बारे में, इतना मैं नहीं जानता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो मुझे अच्छे से थोड़ी बहुत नॉलेज हुई तो मैं समझा धीरे धीरे। और टीचर्स की मेहनत जो थी वो तो लाजवाब थी, शिवान सर की वजह से तो मैथ्स में जो स्पीड जो बढ़ी है मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो आखिरी में शिवान सर का क्रेडिट जाता है उसमें। अगला सवाल कि आपका एम ऑफ लाइफ, या कहूँ कि गोल क्या है अब आपका? एम ऑफ लाइफ है एक डॉक्टर बनना। डॉक्टर, आई होप यू जो है अच्छे डॉक्टर बनोगे आप। अगला सवाल मैं कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट से जो अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहो कि किस तरह से उनको स्टडी करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी के लिए उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसके बारे में अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहें तो। मैं ये कहना चाहूँगा जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम का जब मतलब डेट करीब आती है तो स्टूडेंट ये सोचता है कि उसका एग्ज़ाम करीब है और उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसमें मेहनत करने लग जाता है, और उस चक्कर में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है जिसमें वो ढील दे देता है, वो सब्जेक्ट जो है उसका कमज़ोर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे रह जाता है उसमें। आखिर में आपको ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से एक बार और मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी, और आगे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। बाकी अब हम लोगों को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।